एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस समय ओ लेवल पाइथन के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास करा रहे हैं। आज क्लास नंबर 10 है। पिछली क्लासेस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप सभी लोग वहाँ से पिछली क्लासेस देख सकते हैं। आप सभी लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हम कोई नई क्लास लाएं तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आप सभी लोग चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करते रहें। तो अब हम चलते हैं अपनी क्लास में। आज का पहला प्रश्न है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। इसमें एक आपका कोड लिखा हुआ है जिसमें आपको बताना है। तो इसमें मेन फंक्शन का यूज किया गया है, तो आप सभी को पता होगा मेन फंक्शन का यूज क्या होता है। तो हम बता दे रहे हैं, मेन फंक्शन संख्याओं की दी गई लिस्ट के औसत की गणना करता है, यानी एवरेज निकालता है। तो इसमें ऑप्शन है 3, 6, 4, 5, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 5, यानी इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आते प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। तो इसमें आपको बताना है, एक लिस्ट दी हुई है उसमें मैक्स फंक्शन का यूज किया गया है। तो मैक्स फंक्शन का यूज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू बताता है। तो इसमें लिस्ट में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें आपको बताना है। ऑप्शन है 6, 2, 8, 4, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 8, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। इसमें एक लिस्ट दी हुई है, इसमें क्या हुआ, मिन फंक्शन का यूज किया गया है। तो यानी जो लिस्ट दी हुई है इसमें मिनिमम वैल्यू बताना है आपको। ऑप्शन है 6, 2, 8, 4, तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 2, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। तो इसमें जो ये कोड दिया हुआ है इसमें एक डिक्शनरी दी हुई है, डिक्शनरी को प्रिंट करना है। तो इसमें ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी सेम डिक्शनरी है तो प्रिंट हो जाएगी। आते हैं प्रश्न नंबर 5, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5 है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। तो इसमें एक डिक्शनरी दी हुई है जिसमें 4 नंबर की दी हुई है और इसका मान आपको बताना है, यानी 4 नंबर की कुंजी का मान बताना है आपको। तो इसमें ऑप्शन है 1, 5, 9, 8, तो इसमें 4 का मान क्या है, इसमें 8 है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। जो लोग चैनल पर नया आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आज हमारे इसमें 50 क्वेश्चन हो गए हैं, यानी 10 क्लास हमने प्रोवाइड करा दी हैं आपको। तो यानी 10 क्लास में 5-5 क्वेश्चन हमने कराए हैं, यानी आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोग अगर अच्छा रिस्पांस देंगे तो हम और आगे और अच्छे प्रश्न लाएंगे, अच्छा कंटेंट लाएंगे। अगली बार से हम प्रश्नों की संख्या बढ़ाएंगे। कम प्रश्न देने का मेरा उद्देश्य ये होता है कि कम कम करके आपको बेहतर तैयारी कराना। तो अब हम सोच रहे हैं ओ लेवल का अगला पेपर के भी कुछ प्रश्न करा दें। पाइथन के 50 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे तो हम और अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे और प्रश्न लाने का प्रयास करेंगे। अब हम प्रयास करेंगे कि आपको एक दूसरा पेपर, यानी कोई भी एक पेपर, उसके भी प्रश्न हम आपको प्रोवाइड कराएँ। तो आप लोग अच्छा रिस्पांस दीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सकें, तो हम और ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।